Hello everyone. So we are going to continue our chapter of mathematics, that is chapter number 1. Okay, chapter number 1, and your page number is 76. Okay, so before starting with your question number 13, हम क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करने से पहले कुछ शेप्स के बारे में पढ़ने वाले. ओके, सो वी विल स्टार्ट विद फर्स्ट इज क्यूबॉइड. क्यूबॉइड, दिस पार्ट इज नोन एज फेस. दीज आर दी वर्टेक्सेस एंड दिस लाइन विच यू कैन सी दिस इट इज नोन एज एज. ओके, एवरी शेप, हर एक शेप में क्या तीन इम्पॉर्टेंट चीज़ें रहती? फेसेस, वर्टेक्स एंड एजेस. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज फेसेस, वर्टेक्स एंड एजेस. फेस मीन्स दिस पार्ट. ओके, दिस इज योर, सी दिस इज योर फेस विच यू कैन सी, जिसको हम देखकर क्या बोल सकते हैं, हाँ ये क्यूबॉइड है, दिस इज द स्क्वायर, दिस इज रेक्टेंगल, दिस इज स्फीयर, सर्कल. स्पीयर को हम और क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज अ सर्कल. ओके, सो दीज, देन नेक्स्ट इज वर्टेक्स. वर्टेक्स मीन्स उसके कॉर्नर्स. वर्टेक्स इज नोन एज कॉर्नर्स. सो वर्टेक्स इज नोन एज कॉर्नर्स. सो दीज क्यूबॉइड हैज हाउ मेनी वर्टेक्स? 8 वर्टेक्स. वी कैन काउंट इट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. So the vertex, how many what corners does a cuboid have? Cuboid has 8 corners. And in the same way, how many corners does cylinder has? Cylinder has only one corner. How many corners? Only one corner. Okay. Next, how many vertex does a cuboid have? No vertex, no corner. Okay. Means there is no joining of two different lines. जहाँ पे दो अलग अलग लाइन join नहीं हो रही और वो लाइन join होके कुछ third line नहीं बना रही, so it is known as vertex. अगर वो third line नहीं form करती तो वो vertex हुई क्या? No. So edge means this line you can see, this is known as edge. Okay, this part is your edge. So next we will go to question number 13. हम question number 13 start करें. So what is your question number 13? Tick the correct answer. आपको क्या tick करना है? इसमें से correct answers tick करना है. A cuboid has dash faces. Cuboid के पास कितने faces होते हैं? 6. Okay? Because your cuboid is like this in shape. 1. Yes, हमारा cuboid का shape है. तो हम इसके फेसेस कैसे काउंट करेंगे? हाउ वी विल काउंट द फेसेस? 1, 2, 3, लाइक 1, 2, 3, 4, 5 एंड वन मोर जो पीछे रहता, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, इट्स बैक, सो इट इज 6. सो हाउ मेनी फेसेस डज द क्यूबॉइड हैज? क्यूबॉइड हैज 6 फेसेस. हाउ मेनी एजेस डज अ स्फीयर हैव? दिस इज योर स्पीयर, राउंड. एज मतलब कॉर्नर्स. तो स्पीयर में कॉर्नर्स होंगे क्या? नो. सो द आंसर विल बी 0. सी वन, द नंबर ऑफ वर्टाइसेस ऑफ अ क्यूब इज, नंबर ऑफ वर्टेक्स, ऑफ वर्टेक्स भी बोलते हैं हम उसको, वर्टाइसेस भी बोल सकते हैं. सो द नंबर ऑफ वर्टाइसेस ऑफ अ क्यूब इज, क्यूब के कितने वर्टाइसेस हैं? 8 वर्टाइसेस. A cylinder has dash faces. A cylinder has how many faces? This is your cylinder 1, face 2, and this is your 2 face. So how many faces? 1 and 2. The answer is 2. A cylinder has dash vertices. A cylinder has 0 vertices. Then the number of faces of a cone is 4. Okay, this is your cone. Cone ki face kitne hai ye? 1, 2, okay. Let me, this is your cone. So the faces of the cone is 1,
टू एंड थ्री. सो द आंसर विल बी हियर इट शुड बी थ्री. ओके द आंसर इज फोर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14. मैच द शेडेड पोर्शन विद द फ्रैक्शन दे रिप्रेजेंट. नाउ योर फर्स्ट वन एक वन साइड इज शेड, एक पार्ट कलर किया हुआ है, दूसरा पार्ट अनकलर्ड. कितने पार्ट्स हुए इसके? टू पार्ट्स. तो वन पार्ट कलर, अनदर पार्ट नॉन कलर. जो कलर का कलर्ड पार्ट है वो अपर साइड, जो अनकलर्ड पार्ट है वो लोअर साइड. सो कितने पार्ट्स है इसके टोटल? वन वन एंड टू पार्ट्स. ओके सो टू, देर आर टू पार्ट्स. सो हियर इट इज रिटन टू. सो वी विल मैच विद वन बाय टू. सो नाउ हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर ऑफ अ सर्कल? वन टू थ्री फोर. सो हमें डिनोमिनेटर में क्या चाहिए? फोर. सो हियर इट इज फोर. एंड हाउ मेनी पार्ट्स आर कलर्ड? ओनली वन पार्ट इज कलर्ड. सो इट इज वन बाय फोर. नेक्स्ट रोम्बस वन टू थ्री फोर. हाउ मेनी पार्ट्स? फोर पार्ट्स. एंड हाउ मेनी पार्ट इज कलर्ड? सॉरी दिस वन. हाउ मेनी वन टू थ्री फोर पार्ट्स. हाउ मेनी पार्ट्स आर कलर? थ्री. सो इट इज थ्री बाय फोर. द आंसर विल बी थ्री बाय फोर. Now, in the rhombus, 1, 2, 3, 4. How many parts? 4. And the colored part is 1. So, if 8 part colored. So, 1 by 4. Then, 1, 2, 3. 3 parts are there. And which? How many parts are colored? Only 1 part. So, it is 1 by 3. Okay. Next, we will go to question number 15. Write question number 15. Write the following amount in words. हमें ये अमाउंट किस में लिखना है? वर्ड्स में. सो 5.50. सो इट इज रिटन एज आर एस रुपीज एफ आई वी ई 5 एंड एफ आई एफ टी बाई 50 पी ए आई एस ई पैसे. ओके इट इज रिटन एज 5 rupees 50 paisa. नेक्स्ट 15.75. सो हाउ वी विल राइट? रुपीज 15 एफ आई एफ टी डब्ल्यू एन 15 पॉइंट की प्लेस पे एंड एस ई वी ई एन टी बाय 70 एफ आई बी ई 5 पी ए आई एस ई पैसे. ओके 15 rupees 15 and 75 paise. नेक्स्ट 78.25 rupees 70 एस सी बी एन टी बाई 70 ई आई जी एच टी 8 ए एन डी एंड टी डब्ल्यू ई एन टी बाई 20 एफ आई बी ई 5 rupees 78 and 25 paise p a i s e. Next d1 is 145 rupees 0.60 paisa. So you will write it as rupees 145 and SIXT by 60 PAISE paise. Okay, this is the way you have to write it down. So next question number 16. Write the following amount in figures. Here we have words mein likhe the. Here we have written in figures mein, means numbers mein. So 45 rupees. Rupees 45 point 50 paisa means 0.50p. Okay. 66 rupees means rupees 66. 16 rupees and 75 paisa. 16
0.75. 220 rupees, 220 point and 0.25 paisa. Okay, you can write in this pattern also. आप ऐसे भी लिख सकते हैं and ऐसे भी लिख सकते हैं, directly भी लिख सकते हैं, या फिर you can write rupees in front and paisa afterward in this type, in this way also. Okay, next we'll go to question number 17. Which of the following represent a line segment? Mention the end points of the line segments. Okay, so these are the line segments. ये जो end points हैं हम इसे क्या बोलते हैं? Segment. The first one is ray. हम इसे क्या बोलते हैं? What we call it as ray. This is your lines. This is your segment. हम इसे क्या बोलते हैं? Line segment. And this is your line. मतलब अगर हमने कुछ मेजर करे तो ये यहाँ स्टॉप होके यहाँ पर एंड हो जाएंगे. हम इसको यहाँ से बढ़ा नहीं सकते. इन द सेम वे रे में क्या है? रे में एक एक पॉइंट वन साइड, देयर इज अ पॉइंट वन साइड एरो. तो हम एक साइड से ये रे को जितना चाहे उतना ऐसे एनलार्ज कर सकते. ओके, दिस इज योर रे. एंड लाइन, लाइन को हम दोनों साइड से बड़ा कर, फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो एंड फ्रॉम दिस साइड ऑल्सो. ओके, इट इज नोन एज लाइन. नाउ क्वेश्चन नंबर 18. आइडेंटिफाई द यूनिट ऑफ लेंथ सेंटीमीटर और मीटर यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग. अब हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि हम कौन सी चीज़ सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, कौन सी चीज़ मीटर में मेजर करते हैं. सो दिस इज योर टेबल. टेबल हम सेंटीमीटर में मेजर कर सकते हैं क्या? स्केल से मेजर कर सकते हैं? नो. सो इट इज मेजर्ड इन मीटर. सो राइट योर एम. पेंसिल हम स्केल से मेजर कर सकते हैं, यू कैन राइट योर सेंटीमीटर. नेल भी हम स्केल से मेजर कर सकते, नेल मीन्स कीला, सो इट इज सेंटीमीटर. सी एल टावर मीटर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19. आइडेंटिफाई द यूनिट ग्राम और के जी यूज टू मेजर द मास ऑफ द फॉलोइंग. हमें ये जो ऑब्जेक्ट्स है इसका वेट चेक करना है. तो हम इसका वेट किस में चेक करेंगे? किस, अगर कम रहे तो ग्राम्स में, ज़्यादा रहे तो के जी में. ओके, हम चॉकलेट का वेट के जी में मेजर करते हैं या ग्राम में? ग्राम. सो जी फॉर ग्राम. टॉयज का ग्राम, जी फॉर ग्राम. बॉय का हम, हमारा वेट हम ग्राम में चेक करते हैं? नो, वी चेक इन के जीज. एंड ट्रक के किलोग्राम, दैट इज के जी. जी फॉर ग्राम एंड के जी फॉर किलोग्राम. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20. आइडेंटिफाई द यूनिट एम एल और एल यूज टू मेजर द कैपेसिटी ऑफ द फॉलोइंग. एम एल मीन्स, एम एल का मतलब है मिली लीटर एंड एल का मतलब है एल आई टी आर ई लीटर. ओके, एल का मतलब है लीटर, एम एल का मतलब है मिलीमीटर, मिलीलीटर. हम वाटर को किस में मेजर करते हैं? वी मेजर इन लीटर्स. टैंक के अंदर अगर वाटर है तो हम उसे भी लीटर्स में ही मेजर करते हैं, बट ग्लास में है इसलिए हम मिलीलीटर में. स्मॉल कैन ऑफ मिल्क मिलीलीटर, और सॉरी इट्स लीटर. वन लीटर, टू लीटर ऑफ मिल्क हम लेकर आते हैं कैंस में. एंड कफ सिरप, हेयर ऑयल, उसको हम मिलीलीटर में मेजर करते हैं. सो नेक्स्ट, हियर वी हैव कंप्लीटेड योर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज रिविजन. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकेंड चैप्टर, पेज नंबर 79, नंबर्स अप टू 10,000. ओके, दिस इज योर नेक्स्ट चैप्टर, नंबर्स अप टू 10,000. सो फर्स्ट, द लिटिल बर्ड हैज लॉस्ट हर वे. Read the question and pick the correct answer to help the birdie find her nest. अब ये बर्ड ने अपना घर क्या हो गया, उसको घूम गई.
उसको अगर घर पर पहुंचाना है तो हमें ये जो आंसर्स है उसके करेक्ट आंसर देने पड़ेंगे. ओके, क्वेश्चन पेज नंबर 80 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. आप पेज नंबर 80 रिमूव करेंगे. सो द फर्स्ट वन इज द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर इज. हमें इस फोर उसमें से फोर नंबर्स में से 1, 2, 3, 4 ये फोर नंबर्स में से हमें सबसे स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर देखना है. द स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर इज 10. सो टिक सी 10. हम क्या टिक करेंगे यहाँ पे? 10. सबसे छोटा नंबर क्या है? 10. बिकॉज 10 से पहले क्या आएगा? 9. एंड आफ्टर 10 11, 12, ऐसे टू डिजिट नंबर स्टार्ट हो. स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर इज 10. द ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर इज, सबसे बड़ा टू डिजिट नंबर क्या रहेगा? 99. बिकॉज 99 के बाद क्या आएगा? 100. द ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज, ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर मीन्स 999. बिकॉज 999 के बाद क्या आएगा? 1000. तो 1000 क्या है? फोर डिजिट नंबर्स है, इसीलिए सबसे ग्रेटेस्ट थ्री डिजिट नंबर क्या रहेगा? 999. स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर इज 100. 100 सबसे स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट, बिकॉज 99 के बाद क्या आएगा? 100. तो सबसे पहले क्या आता? 100. सो 100 इज द स्मॉलेस्ट नंबर. डैश कम्स आफ्टर 99. 99 के बाद क्या आएगा? 100. द न्यूमरल फॉर 792 इज. नंबर्स में हम 792 कैसे पढ़ेंगे? व्हाट इज द 729? 792 मीन 729. B1. द नंबर दैट कम्स जस्ट बिफोर 578 इज. 578 से पहले क्या नंबर आता? 577. द नंबर दैट कम्स जस्ट आफ्टर 453 इज. 453 के बाद 454. द नंबर दैट कम्स इन बिटवीन 687 एंड 689. 87, 687 और 689 के बीच में कौन सा नंबर आएगा? 688. द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 825 is. Place value of 2 will be is in tens, ones, tens. 2 कौन से प्लेस पे? Tens. See, 825. 5 की प्लेस पे ones, 2 की प्लेस पे tens. So it is written as 2020. Okay, next. Exercise number 21 and page number of your textbook. It's 84, page number 84. Okay, so the first one is 2674. 4 is on which place? Ones, tens, 100, 1000. So 2674. So hum ise kaise likhenge? How we will write number name? 2 THOUSAND, 1000. 2674. Okay, 2674. Next is, in place of say ones, tens, 100, 1000. So it will be 1723. Okay, this is the way we have to write the number name. इसी तरह हम सारे numbers की क्या लिखेंगे? Name. So it is on ones, tens, 100, 1000. So 4000.
200 28. Now you understand how you have to write. Others you can solve by your own. आप आगे के सम्स खुद से कर सकते हो. No problem. Okay. Three, 5,401. Next, 9,637. Okay, these are your answers. You can write by your own, you can write on in your notebook also. Homework you have to do or sums of chapter 1 and 2 both 3 times, and you have to write the numbers 1000 to 2000. Okay, 1001, 1002, 1003 in this way. Okay.